पिछले कुछ समय से द्वारका का DPS स्कूल चर्चा में है, और इसकी वजह यह है कि इस स्कूल से लगातार जो फीस जो स्कूल की तरफ से वसूला जा रहा है, जो मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है, उसके कारण जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों के नाम काटे गए। हाल फिलहाल की घटना है जिसमें 26 बच्चों के नाम काट दिए गए, और इसके बाद परेशान पेरेंट्स जोनल शिक्षा दफ्तर के साथ साथ जो ओल्ड सेक्रेटेरिएट पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का दफ्तर है, वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों ने धरना दिया, अपनी बात वहाँ तक शिक्षा अधिकारियों तक पहुँचाने के प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंत में हार कर इन्हें कोर्ट का रुख पर करना पड़ा। अब कोर्ट से राहत की खबर इन पेरेंट्स के लिए, इन बच्चों के लिए आई है। सीधा हम पेरेंट्स से बात करेंगे कि किस तरह की राहत कोर्ट से मिली है। सबसे पहले अपना नाम? मेरा नाम दिव्य माटे है जी। कोर्ट से राहत मिली है? हाँ, कोर्ट से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हमारी जो समस्या थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी। हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास भी गए, और एक बार नहीं गए, हम कईयों बार गए। हमने जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी, हमने DDA को भी चिट्ठी लिखी, हमने इनफैक्ट कई बार हम कोर्ट के भी पास गए, लेकिन इस बार जो है वो हमें कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि स्कूल जो कर रहा है वो गलत है। और अगर आप कोर्ट ऑर्डर ध्यान से देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कूल जो फीस मांग रहा है वो अनअप्रूव्ड फीस है, और कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए ये ऑर्डर पास किया है कि जो हाइट फी है उसका 50% जो है वो पेरेंट्स फीस भरेंगे, और किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, और नाम कटा है उसको तत्काल तरीके से जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। कोर्ट ने स्कूल से कुछ गंभीर सवाल भी पूछे हैं? कोर्ट ने बिल्कुल स्कूल से गंभीर सवाल पूछे हैं, क्योंकि कोर्ट ने स्कूल से ये पूछा कि आपको 2019-20 के रिजेक्शन पे पहले से ही कोर्ट ने आपको रेस्ट्रेंड किया हुआ है कि आप फीस नहीं बढ़ाएंगे, तो आप फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? स्कूल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब आपके पास 23-24 का रिजेक्शन है तो आप किस बेसिस पे फीस बढ़ा रहे हैं, उसका भी स्कूल के पास कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए कोर्ट ने इसका बहुत गंभीर तरीके से संज्ञान लेते हुए इनको नोटिस इशू किया है कि ये अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें कि ये किस बेसिस पे स्कूल फीस मांग रहे हैं और बच्चों का नाम क्यों काटा जा रहा है। अब आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम सर सिंपल है, हम केवल ये चाह रहे हैं कि अभी 2 जुलाई को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक चिट्ठी भेजी है DDA को कि कंटिन्यूसली जो ये DOE ऑर्डर का अवेलना कर रहे हैं, तो इनकी जो लैंड अलॉटमेंट क्लॉज के बेसिस पे इनकी लैंड डिटरमिन क्यों ना कर दी जाए, इनकी लैंड वापस क्यों ना ले ली जाए। तो हमारा दूसरा एक्शन यही रहेगा कि स्कूल जो है वो इमीडिएटली टेक ओवर हो जाए, क्योंकि हमें DPS मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरह की हरकत DPS मैनेजमेंट कर रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके माइंड के साथ खेलने की, उनके फिजिकल इमोशनल और साइकोलॉजिकल के साथ खेलने की जो हरकत कर रहा है वो तुरंत रुकनी चाहिए, और DPS मैनेजमेंट को इमीडिएट तरीके से बर्खास्त करना चाहिए और इसको LG को टेक ओवर कर लेना चाहिए। हमारी मांग यही है कि कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज इसे स्कूल को चलाए जब तक ये मैटर सुलझ नहीं जाता है। आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट के बाद जो है सो अब स्कूल जिन बच्चों के नाम काटे थे उनके नाम वापस जोड़े जाएंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने कोई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो है वो हमने ऐसी कोई घटना नहीं सुनी है कि बच्चों के साथ कोई अमानवीय हरकत हो रही है, बट इन्होंने कल जो हरकत करी वो बहुत ही गंभीर थी। इन्होंने उन बच्चों के नाम वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए जो कि जिन बच्चों ने जो है वो फीस सो कॉल्ड अनअप्रूव्ड फीस नहीं दी है, ये बहुत गलत था। ये वही 26 बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि अगर मेरा नाम, मेरे बच्चे का नाम पब्लिकली पब्लिश हो जाता है तो मेरे बच्चे को सबको केस नहीं पता है क्या है, क्लास में उसको बुली हो रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो फीस नहीं दे रहे हैं, स्कूल के टीचर बोल रहे हैं कि ये पेरेंट्स हैं, ये बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे के मानसिक स्थिति पर क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। तो ये बहुत गलत था स्कूल की तरफ से, ये बच्चे का जो अधिकार है कि उसकी जो है वो प्राइवेसी सिक्योर करी जाए वो इन्होंने नहीं करी है। और हमारे जितने भी मेल हमने करी, हमने कई बार स्कूल को मेल करी कि आप जो है वो हमसे मिल लीजिए, आप क्या फ़ीस लेना चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। हमने सेम डे पे इनको ईमेल करी थी, बट कोई जवाब नहीं आया, और इन्होंने आनन फानन में उठा के जो है सब बच्चों का नाम पब्लिश कर दिया। इस मसले को दिल्ली तक ने आज तक ने प्रमुखता से दिखाया, क्या कहना चाहिए? इस मामले में मैं आज तक का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से केवल आज तक ही एक ऐसा चैनल था जो हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़ा रहा और जिसने कंटिन्यूसली हमारे आवाज़ को दूर तक पहुँचाया, और आज शायद हम जिस जगह पे खड़े हैं और जहाँ पर कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आज तक का जरूर सहयोग रहा है। कुछ और पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितनी बड़ी राहत है? देखिए, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी राहत है कि कोर्ट ने हमारे फेवर में, हमें अस्थायी रूप से ही अभी हमारे फेवर में दिया है। जब कोर्ट वैकेशन बेंच के बाद जब डिटेल से इसकी सुनवाई 30 जुलाई को है, तब मुझे पूरा आशा है, मुझे हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है
कि हम एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। हमने ये लड़ाई पिछले 4-5 सालों से हम ये लड़ रहे हैं। हम स्कूल की अप्रूव्ड फ़ी दे रहे हैं जो DOE ने अप्रूव की थी, और उसको देने में भी हम स्कूल को कोई मौका ना मिले, हम 10 तारीख के पहले पे कर देते हैं, फिर भी स्कूल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मेरे बच्चे का नाम उसने काट दिया, उसको लाइब्रेरी में बैठना पड़ा, और अब उसने उसका नाम पब्लिश कर दिया है स्कूल की वेबसाइट पर। अगर कोई बच्चा छोटा है, वो अपने क्लासमेट्स के सामने, उसकी क्लास टीचर जो है, क्लास ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से उसका नाम हट गया, जो भी स्कूल में एक्टिविटी क्लास में हो रही है वो अपडेटेड नहीं है, और लाइब्रेरी में बैठ के उसका समय बर्बाद हो रहा है, तो मानसिक तौर पर उसे बहुत नुकसान हो रहा है, जो जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। एक स्कूल ही होता है, एक स्कूल ही होता है जहाँ पर बच्चों का स्वस्थ विकास होता है। उसके लिए हम भेजते हैं अपने घर से बाहर कि हाँ ठीक है, लेकिन स्कूल जब अपनी अपनी क्षमताओं पर, मतलब अपनी कमियों को वो ज़्यादा उजागर कर रहा है, तो स्कूल का जो एक छवि है वो हमारे बच्चे पे क्या पड़ेगा? हम उसको क्या बताएंगे कि स्कूल जो है वो जिस काम के लिए बना है वो ना करके, और वो उसके मानसिक विकास में अवरोधना उत्पन्न कर रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोर्ट में जल्द से जल्द ये मामला सुलझे और हमें राहत मिले, और इन्होंने जो वेबसाइट पे नाम डाले हैं हमारे बच्चों के, उसे तुरंत से तुरंत उसको वापस किया जाए। धन्यवाद। कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, मेरे एक कोर्ट ऑर्डर नहीं है, ये DOE का रिजेक्शन ऑर्डर है, जिसके ऊपर DOE ने पिछले 4 साल की जो फीस है प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये रिजेक्टेड है, और पुरानी जो अप्रूव्ड फीस है वही लागू होगी। प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल ने इसके अंदर एट्रोसिटीज़ कर रखी हैं, उसका भी इसके अंदर पूरा उल्लेखन किया हुआ है। स्कूल ने करीब 25 करोड़ रुपये स्कूल के पास एज ए डेवलपमेंट फीस जमा है 2023 के मुताबिक, और 2023 में स्कूल ने करीब 3 करोड़ रुपये डेवलपमेंट फ़ीस चार्ज करी है, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो अपना फ़ीस होनी चाहिए उसकी 8 गुना डेवलपमेंट चार्जेस ये ले रहे हैं। प्लस इसमें ये भी लिखा हुआ है कि स्कूल के पास कितना सरप्लस फंड्स अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूल के पास 12,75,00,000 रुपये सरप्लस फंड है एज ऑन 23-24। तो स्कूल किस बात का रोना रोता है कि उसके पास पैसे नहीं है स्कूल चलाने के लिए। प्लस इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो फंड्स है उसकी साइफनिंग करी गई है, दूसरी जगह फंड्स भेजे गए हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। पेरेंट्स की फ़ीस है, पेरेंट्स का पैसा है, स्कूल उसी से चलता है, मैनेजमेंट उसी से चलता है, हमारे पैसे कहीं और भेजे जा रहे हैं, सरप्लस रखा जा रहा है, उसके बावजूद भी पेरेंट्स को अंधेरे में रखा जा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, हमें एक्स्ट्रा फीस चाहिए। तो यह सरासर स्कूल की मनमानी और बदमाशी है जिसके अगेंस्ट हम यहाँ पे हैं, और जिसके लड़ाई लड़ रहे हैं हम पिछले 6 साल से, और मुझे लगता है कि कोर्ट के पास भी इसी का संज्ञान है और आगे हमारे को इसके ऊपर पूरी मदद मिलेगी। दिल्ली तक ने और आज तक की टीम ने लगातार आप लोगों की खबरें दिखाई, क्या कहना चाहिए? सर, मैं आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आप लोग शुरू से हमारे साथ में खड़े रहे हैं, हमारा सपोर्ट किया आप लोगों ने, और आपसे आगे भी सपोर्ट मिलता रहे इस बात की आशा चाहता हूँ मैं। महेश मिश्रा, सबसे पहले मैं आज तक और दिल्ली तक का आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हम DPS के अभिभावकों के साथ शुरू से लेकर अभी तक खड़े रहे हैं, और उम्मीद है कि आप हमारा साथ तब तक देते रहेंगे जब तक हमारे सभी अभिभावकों को न्याय ना मिल जाए। अब हम बात करते हैं कल के हाईकोर्ट के ऑर्डर की, जिसमें हम 4 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ DPS द्वारका के, और सिर्फ ये DPS द्वारका नहीं, इन्हीं की देखा देखी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 150 से ज़्यादा स्कूल जो दिल्ली के हैं और उनके अभिभावक कोर्ट में हैं इसी तरीके के मसले में, जिन्होंने की नजायज़ फ़ीस बढ़ाई जा रही है। ये नजायज़ फ़ीस कैसे बढ़ाई जा रही है? एक्चुअली DOE का रूल है, DSCR एक्ट आता है 1973, जिसमें DDA इनको लैंड प्रोवाइड करता है, जो भी स्कूल हैं जो उनसे इसको ज़मीन पाते हैं उसके तहत इनको जो भी फीस अप्रूव हाइक करनी है बढ़ानी है तो उससे बढ़ाने से पहले DOE से अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन और प्रपोज फीस से भी ये डिमांड नहीं कर सकते जब तक वो अप्रूव ना हो जाए, वो एरियर के साथ बाद में ले सकते हैं अगर अप्रूव हो जाए। लेकिन DPS द्वारका क्या करता है, स्कूल की फ़ीस प्रपोज करता है और अभिभावकों से डिमांड करने लग जाता है और उनको प्रेशराइज करने लग जाता है कि आप इसकी फ़ीस भरना चालू कर दीजिए, जबकि कानून और नियम ये कहते हैं जब वो अप्रूव हो जाएगी तब आप एरियर के साथ ले लीजिएगा, तब तक मत लीजिएगा। और 4 साल से ये चला आ रहा है, जो कि अब तक 92% फ़ीस हाइक हो चुकी है कोरोना काल से। आप समझिए कोरोना काल में जहाँ गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने सबको रिबेट दिया कि सारी फ़ीस पे 15% का रिबेट दिया जाएगा, तो उसमें भी इन्होंने रिबेट ना देके और कोई फीस हाइक नहीं करेगा, उसमें भी फ़ीस हाइक की
रिबेट भी नहीं दिया। और अब इनकी अपनी तानाशाही देखिए कि 22 मई को ऑर्डर आया डीओई का, जिसमें 2023-24 की उन्होंने सारी फीस अप्रूवल जो है अब तक की रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि आप उनका ऑर्डर देखेंगे तो आप वो देख के पाएंगे कि इन्होंने पैसों का कितनी अनियमितता है इनके डीपीएस और डीपीएस सोसाइटी में, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। उसके अगेंस्ट इन्होंने अपने वेबसाइट पे नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर एक वार्निंग डाल दी एक प्रकार से। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये लगेगा कि ये डीओई को वार्निंग दे रहे हैं कि आप जो भी कर लो हम नहीं मानेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, संविधान नियम हमारे लिए कुछ नहीं, हम बनाएंगे संविधान नियम। ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? मतलब सभी सबके लिए वही संविधान है, चाहे वो राजनेता हो चाहे एक आम आदमी हो। तो ये उन सबसे ऊपर हो गए हैं क्या? ये किसी की नहीं मानेंगे। अब आप यही देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया, ये मैं मानता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यायालय का जिन्होंने संज्ञान लिया। देर हुई, कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो वही बात इस पर लागू होती है जो दिल्ली के अभिभावक सारे डीपीएस के तो साथ साथ दिल्ली के सारे अभिभावक परेशान हैं इस आदेश से हाई कोर्ट के, बहुत उत्साहित हैं। और एक उनके मन में उम्मीद की किरण जागी है कि अब हमको न्यायालय से न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो उस पर इन्होंने क्या किया, जिस 26 बच्चों के नाम काटे हुए थे उसके नाम पब्लिश कर दिए अपनी वेबसाइट पर। तो ये आप देखें कि कितनी तानाशाही है, ये किस वजह से है हम समझ ही नहीं पा रहे। क्या ये संविधान से ऊपर हैं, क्या ये नियमों से ऊपर हैं? तो ये यहाँ के पेरेंट्स से जो कोर्ट के फैसले के बाद काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ इस मसले में होना बाकी है जिसका इंतज़ार पेरेंट्स को है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।